हरदीप सिंह पुरी के अभी हाल ही के एक ट्वीट को लेकर काफी बवाल मचा था। हालांकि गृह मंत्रालय से बयान जारी होने के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन गलती किसकी तरफ से थी वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि गलती तो थी रोहिंग्याओं को फ्लैट देने वाले ऐलान की। जी, जो मुस्लिम रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की बात थी, उनको फ्लैट दिए जाने की बात थी, उनको हर सुख सुविधा दिए जाने की बात थी, जिसका ऐलान केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर के जरिए किया था। लेकिन ऐलान के साथ ही जिस तरह से आरएसएस, वीएचपी और देश के अन्य दलों ने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया था, उसके बाद मामला संभालने के लिए गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। क्योंकि देश शायद कभी बर्दाश्त न कर पाए कि उनकी माली हालत के आगे उनके अपने देश के गरीब लोगों को छोड़कर केंद्र सरकार उन रोहिंग्याओं का भला सोचे जो देश में न जाने कौन कौन सी गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं। खैर, वो मामला तो हल्के में निपट गया, लेकिन अब बांग्लादेश प्रमुख शेख हसीना इन रोहिंग्याओं से परेशान हो गई हैं और अपने पड़ोसी मित्र देश भारत से इस मामले में दखल चाहती हैं। मतलब ये कि अत्याचार के नाम पर म्यांमार से आकर पड़ोसी देशों में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी त्रस्त है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तो रोहिंग्या मुस्लिमों को बड़ा बोझ करार दिया है और भारत से इस मामले को लेकर मदद मांगी है। हसीना का पक्ष है कि रोहिंग्याओं को वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए और इसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ भारत को टेस्टेड फ्रेंड भी बता गई शेख हसीना, यानी कि परखा हुआ मित्र। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में लाखों की संख्या में मौजूद रोहिंग्या मुस्लिम शासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। भारत बड़ा देश है और वो उनके आमद को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं। अब जब रोहिंग्याओं से शेख हसीना कुछ इस तरह से त्रस्त हैं, तो वो इनके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और पड़ोसी देशों से लगातार बात कर रही हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हसीना ने कहा, मानवीय आधार पर घुसपैठियों की मदद की, आश्रय के साथ साथ सब कुछ दिया, कोविड में सबको वैक्सीन लगवाए, लेकिन उन्हें कितने दिन तक रखा जा सकता है। वो ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी और हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल है। हर बढ़ते दिन के साथ उनकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। फिर शेख हसीना ने इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। कहा, कोविड जैसी वैश्विक महामारी में उन्होंने पड़ोसी देशों का भी ख्याल रखा और उन्हें कोविड के वैक्सीन उपलब्ध कराए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बांग्लादेश के छात्रों को भारत ने बचाया। कुछ मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके समाधान का रास्ता अपनाया जाता है और बातचीत की जाती है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली की तारीफ करती नहीं थकती शेख हसीना अब रोहिंग्याओं के मामले में भारत से मदद चाहती हैं, और ऐसी मदद की उम्मीद उन्होंने ऐसे वक्त में लगाई है जब शेख हसीना पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने जल्द भारत आ रही हैं। उससे पहले ही शेख हसीना ने भारत से मदद की उम्मीद किए अपने देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया है, जो कि अब शेख हसीना सरकार के लिए बोझ बन गए हैं। आपको बता दें, भारत भी कोई बहुत खुश नहीं है रोहिंग्याओं को यहाँ रखकर। जिस तरह से बांग्लादेश सरकार उन्हें बोझ करार दे रही है, वैसे बोझ तो नहीं करार दिया गया, लेकिन हाँ, उन्हें उनके देश वापस भेजे जाने की मांग जरूर समय समय पर उठती रही है। साल 2017 में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। विनती की थी कि भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान करके उन्हें एक साल में वापस उनके देश भेजा जाए। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था, जिसका ज्यादातर राज्यों ने जवाब ही नहीं दिया। राज्यों ने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। वहीं कई रोहिंग्याओं ने भी प्रशांत भूषण के जरिए सर्वोच्च अदालत में याचिका डाली थी और भारत में शरणार्थी का दर्जा दिए जाने की मांग की थी, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। ऐसे में अब शेख हसीना की परेशानी का हल कैसे निकलेगा? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कैसे रोहिंग्याओं को करेगी देश से बाहर? वैसे आप शेख हसीना की रोहिंग्याओं के सफाई की मांग का कितना समर्थन करते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। And I always tell them that you are our citizen, you should own our country. But some incidents sometimes take place, but immediately we take action. It is it happened, it's very unwanted situation. But you know very well that it is not only Bangladesh, even India also sometimes minorities suffered. So I think that both the countries should show their magnanimity, and our part, you know, Bangladesh is a secular country and we have many religions here, and the religion harmony is
here very much. So one or two incidents when it take place immediately, especially my party people, they are very much, you know, cautious about it, and also my government, we immediately take action. But from both sides, I think it should be more, you know. Yeah.